किनारा इधर है और यह भारत का सबसे जहरीला सांप है और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन है, इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। इसका पैटर्न दिखाइए, यह है एक चॉकलेटी कलर होता है कोमल वुल्फी स्नेक, पैटर्न इसी तरह मिलता जुलता है लेकिन चॉकलेटी कलर होता है। तो झाड़ फूक वाले फेल हो जाएंगे तो गलती आपको पर ठोक देंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल संजय एस के सर मित्र पे। अभी एक रेस्क्यू कॉल आया था ग्राम सभा उत्तर पड्डी और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग ठीक है समझ लो, हम भी ठीक है। और यहाँ पर कौन सा सांप निकला है दिखाते हैं और उनसे भी जरा मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने मुझे फोन किया था। फोन किसने किया था भैया? फोन आप किए थे? अपना नाम पता बताइए। फोन आप किए थे? मेरा नाम अभिषेक है, घर आदमपुर है, यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा अच्छा, सर निकला था तो आपके पास फोन किया। नंबर किसने दिया था आपको? नंबर सर दिया था चोरिया जी से। आप जी जी? अच्छा अच्छा, तो साहब यहीं पे है? कहाँ पे है? यहाँ बिच्छू, बिच्छू को इकट्ठा करके रखे हैं सर, काफी बिच्छू भी मिल चुके हैं। रेतीली इलाका है, थोड़ा सा नदी का किनारा इधर है और यहाँ स्वाभाविक है बिच्छू मिलना। तो देखते हैं, तो इस टाइम सफाई करते हैं, देखते हैं, मेहनत तो करनी पड़ रही है। तो हमारा मकसद यही है कि सांपों को इंसान से बचाना, इंसानों को सांपों से बचाना, सांप को इंसान से बचाना। और लाइट इधर दिखाइए, यहाँ कर रहे थे, यह है कॉमन करैत, सही कह रहे थे। यह भारत का सबसे जहरीला सांप है और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। ये इतना खतरनाक है, लोग कोबरा को ज्यादा सबसे ज्यादा जहरीला मानते हैं लेकिन यह सबसे ज्यादा जहरीला सांप है। यह लगातार अगर 20 आदमी को काटा गया तो 20 आदमी की मौत हो जाएगी। कोबरा अगर 3 आदमी को काटा है तो शायद पहले दूसरे की मौत होगी, तीसरा बच जाएगा। और भागने के प्राग में इसको हम यह है कॉमन करैत, इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। ये अक्सर मध्य रात को बिस्तर में घुस के काटता है और इसका दांत इतना बारीक होता है जब ये बाइट करेगा इसके दांतों का निशान दिखाई नहीं देता। अक्सर रात में काटता है बिस्तर में घुस के, आदमी का जो पसीना है इसे काफी पसंद है, इसके गर्म आदमी का गर्माहट। तो यह अक्सर घुस के बिस्तर में ही काटता है, मध्य रात में एक्टिव होता है। यह इतना फुर्तीला होता है कि हाथ तक आराम से उठ जाएगा, इतनी जल्दी कोबरा नहीं उठ पाता है। तो मालूम है आप लोगों को कौन सा सर्प है? वैसे आप लोग पहचान गए थे, पहले बता दिए थे इसकी पहचान। यह है कॉमन करैत, साइलेंट किलर,
निशाचर बोलते हैं इसे, क्योंकि रात को भ्रमण करता है अक्सर मध्य रात में। तो यह भारत का सबसे जहरीला सर्प है, इससे खतरनाक कोई सर्प है नहीं भारत के अंदर, इससे खतरनाक कोई सर्प है नहीं। पहचान बता दे रहा हूँ, ये बिल्कुल ब्लैक होता है, ये करैत है, कॉमन करैत। इसकी पहचान बता देता हूँ, ये बिल्कुल ब्लैक होता है, हिंदी में डार्क काला कहते हैं। नजदीक से लाइए थोड़ा इसका, और इसका पैटर्न दिखाइए, ये है, एक चॉकलेटी कलर होता है, कोमल वुल्फ स्नेक पैटर्न इसी तरह मिलता जुलता है लेकिन चॉकलेटी कलर होता है, डॉट ऐसे ही बना होता है उसमें, कोमल वुल्फ स्नेक कोई जहरीला नहीं होता, ये है जहरीला होता है। तो एक थैला होगा बैग में, देख लिया उसमें जरा, देखो हाँ देख आइए, इधर दिखाइए इसको जरा, इसको मुंडी पकड़ते हैं क्योंकि ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो हमारे सहयोगी कैमरामैन दीपक यादव हमारे साथ है, हमारा हेल्प करते हैं, इनका भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारे साथ जुड़े हुए इस कामों में। यह है कोमल करैत, नदी से इसका पैटर्न दिखाइए, इसकी आंख बिल्कुल ब्लैक होती है, छोटी आंखें होती है, और इसका दांत जो होता है बहुत बारीक होता है, जिस तरह आदमी का मूंछ का बाल होता है उतनी ही बारीक इसका दांत होता है, इसलिए इसके बाइट का निशान नहीं दिखाई देता। एक ही पहचान है, जब बाइट कर लेता है कुछ टाइम बाद आदमी के पेट में ऐठन होता है, उल्टी होती है और आदमी के दम घुटने से मौत होती है। तो पूछे थे इनसे, तो अगर सांप बाइट करने कहा जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, झाड़ फूक के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, जड़ी बूटी के चक्कर में नहीं पड़ना है, जिस दिन बिना जहर वाला सांप काटेगा तो झाड़ फूक वाले खलीफा बन जाएंगे, बचा लेंगे, जिस दिन ऐसा या कोबरा सांप काटेगा रसल स्वाइपर काटेगा तो झाड़ फूक वाले फेल हो जाएंगे, तो गलती आपको पर ठोक देंगे, कहेंगे आपने देश आया है इसमें गलती आपकी है, तो अपने ऊपर गलती कभी गलती नहीं लेंगे। तो हमें क्या करते हैं, लोग गुमराह करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, हमें गुमराह करते हैं झाड़ फूक वाले। तो हमें तंत्र मंत्र जड़ी बूटी के चक्कर में नहीं पड़ना है, कहाँ जाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। तो लोगों से निवेदन है सांपों को मारे ना, सांपों को बचाने की कोशिश करें, ये हमारे पर्यावरण को नियंत्रण करता है, कीड़ों मकोड़ों को खाता है, चूहों को खाता है, रस्सी दीजिए इसको हिंस बांध देते हैं, कोई रस्सी मिलेगी। तो हमने इसको पैक कर दिया कुशल, और हादसा कभी भी हो सकता है हमारे साथ। तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूर दूर तक फैलाइए, ताकि जो सांपों के प्रति अंधविश्वास फैलाया गया इंसानों के अंदर और जड़ी बूटी का, यह भ्रम दूर हो जाए, तो लोग सच्चाई की तरफ जाए। नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो में किसी योजन के साथ, तब तक हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद देते हैं। हाँ कोई पतली रस्सी दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि उससे निकल सकता है थोड़ा सा।